हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप अब सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बन ठन के रेडी हो गई हूँ। बहुत गर्मी है तो ये देखो कितना साइज से भी ज़्यादा बड़ा मैंने टी शर्ट पहना है। एक्चुअली ओवर साइज टी शर्ट है, वो भी XL, समझ रहे हो कितना बड़ा। तो ये HM का टी शर्ट है, बहुत ही कम्फी और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं यही पहन लिया। ट्राउज़र भी मैंने पहना है, वो भी HM का है। और मैंने MK का वॉच पहन लिया है और अपने आप को ताड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब रेडी हो चुकी हूँ, चलो नीचे चलते हैं क्योंकि अब जाना है शॉपिंग करने। यस गाइज, आज मैंने सोचा चलो शॉपिंग करके आती हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, ऑनलाइन तो आता रहता है पर मुझे कहीं जाना था। तो कहाँ जाना, चलो दिखाते हैं कहाँ जाना है। आप लोग भी खुश हो जाओगे मैं जहाँ जाऊँगी। आप लोगों का भी वो फेवरेट प्लेस होना ही होना है क्योंकि मुझे पता है वो सबका फेवरेट प्लेस है। तो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, अभी मैं थोड़ा सॉन्ग इन्जॉय करते करते जा रही हूँ पर सॉन्ग सुना नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब से बहुत डर है भाई। तो फिर मैं आज आ गई हूँ और आपको लोगों को पता है आज मुझे थोड़ा सा ना जुखाम जुखाम लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पर लग रहा है। फ्रिज का पानी तो मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ फिर भी वैसा लग रहा है। चलो आ गई हूँ साउथ सिटी मॉल और ऐसा लग रहा है पूरा कोलकाता यहाँ पे ही बस गया है आके। इतना ज़्यादा भीड़, हद से ज़्यादा भीड़। संडे सैटरडे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि अभी साउथ सिटी में टॉप फ्लोर में कैफ़े भी ओपन हो गया है। सो यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो चलो कहाँ जा रही हूँ मैं, 1 2 3 यस, मैं मिनीसो आ गई हूँ। खुश हो गए ना आप लोग? मिनीसो किसको खुशी नहीं देती है। तो मिनीसो आके ऐसा लगता है कि सब उठा के लेके चले जाए। इतना अच्छा पैकेजिंग रहता है, इतना क्यूट क्यूट सब चीज़ रहता है। तो आते ही मैंने अपने स्किन केयर सेक्शन में आ गई हूँ कि देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मैं लेती हूँ। तो चलो शॉपिंग करते हैं अब आराम से और आप लोग भी देखो। मुझे ना फ्रेंड्स यहाँ से ना मतलब जो नोट पैड होता है वो मुझे चाहिए था ताकि मैं अच्छे से अपना प्लानिंग करके रखूं, पर यहाँ पे वो वाला नहीं है जो मुझे चाहिए था, जहाँ पे डेट टाइमिंग प्लानिंग सारे चीज़ का मतलब अच्छा से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे तो वो नहीं है, यहाँ पे ऐसे प्लेन जैसा डायरी जैसा रहता है वैसे ही है। तो मेरा घर पे भी है तो मैं वही ढूंढ रही हूँ कि मिल जाए क्योंकि मिनीसो में वो रहता है और मिनीसो का बहुत ही अच्छा क्यूट सा रहता है। तो मैं वो जो ढूंढने में लगी पड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत टाइम से, मैं वेट कर रही थी कब मैं मिनीसो जाऊँ कब मैं लेके आऊँ। तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं।
चलो शॉपिंग तो हो गई, ढेर सारा सामान ठूस ठूस के ले लिया, जो ज़रूरत का नहीं है वो भी ले लिया मैंने, मिनिस्टर आके कंट्रोल नहीं होता है। तो चलो लाइन पे लग गई हूँ, बिल पे करते हैं फिर घर चलते हैं। पर घर जाने से पहले रास्ते में एक जगह पे मैं रुकूंगी, कहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, तो पहले मैं बिल कर लेती। साउथ सिटी से निकल के मैं आ गई एक्रोपोलिस मॉल, तो मॉल में नहीं आई हूँ, मॉल के सामने मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग भी अगर कोलकाता से हो और मेरे जैसा अगर ये चीज़ खाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। इस अंकल से बहुत ही टेस्टी बनाता है, वो है ये पापड़ी चाट और झालमुड़ी, कोलकाता का फेमस दो चीज़। कोलकाता से जो है वो लोग तो खाते ही है, पर कोलकाता से बाहर जो लोग हैं वो लोग जब भी आप लोग आओगे आप लोग ट्राई करना यहाँ पे झालमुड़ी पापड़ी चाट, कहीं से भी बहुत सारा मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग बताओगे फिर कमेंट करके कितना टेस्टी रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। मुझे तो कोलकाता का ही पसंद है ज़्यादा, मैं बाहर का भी खाई हूँ पर मुझे कोलकाता से ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता है। सो अब मैंने बोला कि मुझे पापड़ी चाट बना दो, दो प्लेट मैं पापड़ी चाट ले रही हूँ और मैं एक प्लेट झालमुड़ी ले रही हूँ, झालमुड़ी, क्योंकि चाय के साथ मैं घर में जाके खाऊंगी। सोच रहे हो मेरा ये क्या है, मुझे ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ये सब का ऑफ़र करोगे और मुझे बोलोगे कि समरिन चल जाके आज झालमुड़ी पापड़ी चाट खाएंगे, मैं तो बोलूँगी अच्छा चल, मैं तो एक पैर में रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही टेस्ट लगता है, मुझे ये सारे छोटे छोटे चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं उसको बनाने को मैंने बोला अंकल जल्दी से बना दीजिए, क्योंकि लेट हो रहा था, गाड़ी वहाँ पे ही खड़ा था। और क्या है ना, ये वाला अंकल जो है ना ये पहचानता है, क्योंकि इससे मैं एक ऐसे ही एक बार नॉर्मल टाइम में आके खा के गई थी, उसके बाद से मैं इसी के पास ही आती हूँ, तो ये पहचान गया है। तो और दो चार लोग थे, फिर हमको बोला कि बना के देते हैं, तो वो भी मेरा भी बनाने लगा है। और मसाला वसाला देखिए कैसे बना रहा है वो, अभी ना मुँह से ना मेरा ना एकदम पानी टपक रहा है कि जल्दी से बने और मुँह के अंदर जाए मेरा।
और ये जो अंकल है ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है, यहाँ पे आके एक काम करते हैं। इनका जो बेटा है वो भी बहुत टेस्टी बनाता है, सब मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इन लोगों का हाथ में ना जादू है। तो देखो कितने अच्छे से गार्निशिंग कर रहे हैं, देखिए लाला जा रहा है ना। किस किस को पसंद है झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है हम सारे लड़कियों को फेवरेट चीज़ें जिस जिसको पसंद है कमेंट करके बोलो दीदी हम लोगों को भी पसंद है, कमेंट आना चाहिए और बोल तुम लोग भी बोलो क्योंकि ये सबको पसंद आता है राइट। कौन कौन कोलकाता से है ये भी कमेंट करो यार, पता तो चले। घर आते ही पापड़ी चाट पे टूट पड़ी हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर अभी नहीं खाऊंगी तो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो क्रंची वाला बात नहीं रहेगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं पहले इसको खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी, कि काम भी बहुत ज़्यादा है और मानो बहुत टेस्टी था, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ बहुत टेस्टी बहुत है तब से, तो सच में बहुत ही टेस्टी था। तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ, उसके बाद बाकी का काम भी कर लेती हूँ। मॉम पी रहा है, फ्लिपकार्ट से देखे क्या सामान आया। हफ्ते में तो एक तो पैकेट आता है पेटी घिरी का, और बासमती राइस मेरा ख़त्म हो गया था तो एक पैकेट मंगा लिया। ये दही, ये दही मैं खाती हूँ। ओह मटन राइस आ गया, राइस बनाएंगे क्योंकि राइस ख़त्म हो गया था सुबह का, इतना सब अच्छा हुआ था, इसमें क्या होगा मेरा। तो कौन है ये, तो कौन है। ब्लिंकेट से मेरा अभी सामान आया है, ब्लिंकेट का पैकेट में ही ये लड़का मिलेगा। हाँ, इतना क्यूट आप लोग देख रहे हो कैसे खेल रहा है, ब्लिंकेट का पैकेट में ही घुस के खेलेगा। टॉम सबको हाय बोल दो, बोलो हाय बोल दो। अरे मेरा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटू मेरा जान का टुकड़ा, मम्मा का जान, मम्मा का जान। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिनी शो का जो मैं सामान लेके आई हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, यहाँ पे दिखाती तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाता तो एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाता। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।